भाजपा के निर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष के लिए सतीश पूनिया का नाम तय है। गुरुवार को नामांकन का दौर रहा, जिसमें दो आवेदन आए, लेकिन दोनों ही आवेदन पत्र सतीश पूनिया ने दाखिल किए। चुनाव अधिकारी राजेंद्र गहलोत को पूनिया ने अपना नामांकन पत्र सौंपा, जिसमें एक आवेदन के साथ 20 प्रस्तावक भी बने। इससे पहले पूनिया ने जिलाध्यक्षों के साथ मंत्रणा की और नामांकन करने से पहले पार्टी के आला नेताओं से भी मुलाकात की। चुनाव अधिकारी राजेंद्र गहलोत ने बताया कि आवेदन की छंटनी और नाम वापसी का शुक्रवार सुबह 11 से 12 बजे का समय रहेगा। हालांकि एक ही उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने से ये प्रक्रिया गौण रहेगी और पूनिया को शुक्रवार को आधिकारिक रूप से निर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाएगा। इस अवसर पर 25 राष्ट्रीय प्रतिनिधि के लिए भी आवेदन आए। ग्यारह से बारह नाम वापसी है, यदि नाम आते हैं और तो, और उसके बाद 12:30 से निर्वाचन की कार्रवाई शुरू है। दो सेट में भरा है नामांकन। आज प्रदेश अध्यक्ष जी का नामांकन हुआ है, उसके साथ 25 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामांकन हुए हैं और नामांकन की अभी जांच होगी और उसके बाद में कल नामांकन की सारी जो नामांकन आए हैं